उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक और नए ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है। यह गाजीपुर के जांगीपुर से छपरा के रिविलगंज तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। अधिग्रहण के क्रम में 60% भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। NHAI की ओर से टेंडर भी फाइनल किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार मार्च के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। कुल 3 एजेंसियां अलग अलग 4 हिस्से में कार्य शुरू करेगी। 117.12 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से होकर गुजरेगी। जिले में कुल करीब 65 किलोमीटर की लंबाई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जो चितबड़ा गांव से फेफना, मालदेपुर, हल्दी, बैरिया, चांदी दियार होते हुए मांझी घाट के बाद बिहार में प्रवेश कर जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को दी गई है, जबकि जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी यूपीडा को दी गई है। यूपीडा जमीन के अधिग्रहण को लेकर कार्रवाई में जुटी है। यह एक्सप्रेसवे जनपद में तहसील सदर के 72 और बैरिया के 16 गांवों से होकर गुजरेगा और मांझी घाट पुल से जुड़ेगा। सदर और बैरिया तहसील के गांवों के किसानों से लगभग 765 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जानी है। जमीनों के बेनामा का कार्य भी चल रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज में बांटा गया है। NHAI के अधिकारियों के अनुसार 3 एजेंसियों की ओर से 4 पार्ट में कार्य कराया जाएगा। एजेंसियों से अनुबंध की कार्रवाई चल रही है। हालांकि अधिकारी का भी यह कहना है कि जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होने के बाद कार्य शुरू होगा। उधर CRO ने दावा किया कि जिले में करीब 60% जमीनों का बेनामा हो चुका है और अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर एजेंसियों के अनुबंध आदि का कार्य चल रहा है। जमीनों के बेनामा का कार्य भी जिलों में चल रहा है। उम्मीद है कि मार्च के बाद कार्य शुरू हो जाएगा।